आपका कैसा रेट? सर कुछ अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुरा भी नहीं कहा जा सकता। 60 अटेम्प्ट लिए हैं तो जिस हिसाब से लेवल था तो सर रिजल्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल ईजी नहीं कहा सकता। कोई भी लड़का अगर बोल रहा है जो 80-85 अटेम्प्ट के आए हैं तो उसको आंसर की आने दीजिए और वो कात का बथान लग जाएगा। हम भी पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, इतना ईजी भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, 65 से 70 क्वेश्चन जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो करके आए होंगे, या जो तुक्का मारे होंगे वही 80 गए होंगे, क्योंकि साइंस का जो पोजीशन था वो ईजी नहीं कहा जा सकता, टफ कहा जा सकता उसको। अच्छा, एक आपको एक कटअप का हिसाब से बताइए कि कटअप कैसा लगा। कटअप अगर पटना बोर्ड का जो बात किया जाए तो अभी कौन कौन सा बोर्ड का एग्जाम हुआ है? पटना का हुआ है हाजीपुर, जिसका हाजीपुर से फॉर्म डाला है, अगर वेस्टर्न मुंबई अगर साउथ मुंबई का हुआ है। तो मुंबई का दोनों जोन का उसमें सीट ज्यादा है, पर कंपटीशन कम है, तो वहां का कटअप अगर देखा जाए तो ओबीसी की बात करा जाए तो 55 से 56-57 के आसपास रहने वाला है, और जनरल का 60 तक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, सेफ जोन माना जाता है वो। लेकिन हाजीपुर की बात किया जाए तो यहाँ पर एक सीट पर 160 विद्यार्थी कंपटीशन कर रहे हैं, 161 के आसपास, मान लीजिए 160 के आसपास। तो यहाँ का कटअप अगर बहुत कम देखा जाए तो ओबीसी का 62-64 जाएगा ही जाएगा, और जनरल का 70 से नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, जो लेवल हम देखे हैं। आप लोग के हिसाब से थोड़ा सा कटअप बताइए कि कितना जा सकता है अभी के हिसाब से? वही सही बोले हैं, मतलब अपना नॉर्मलाइज के बाद बोले हैं, अपना नॉर्मलाइज के बाद, ये नहीं जो हम रो मार्क उतना लाए, अपना नॉर्मलाइज जिसको अब 5-10 नंबर पढ़ने के बाद, यानी समझ लीजिए ना, जिसका 50 नंबर भी अगर रो आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन महसूस कर सकते हैं, पूरा कंफर्टेबल तो नहीं लेकिन सेफ महसूस कर सकते हैं, है 90% चांस है उनका। जो 55 प्लस जा रहे हैं उनका सिक्योर मानिए, अगर 5-7 नंबर भी उनका नॉर्मलाइज हो रहा है तो रिजल्ट का दावेदार है।